HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हर इंसान में गलती होती है, इंसान तो गलतियों का पुतला है। एग्जाम्पल, जैसे जब बच्चा चलना सीखता है तो वह हर कदम पर गिरता है, तब जाकर वह खड़ा हो पाता है, और जब चलना सीख जाता है तब पूरे घर में उधम कर देता है। इसी तरह जब इंसान बड़ा होता है और उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो कई बार धोखा भी खा लेता है, फिर वह अपने आप को संभालता है, हर रोज कुछ नया सीखता है। लोग कहते हैं पढ़ने की उम्र ख़त्म हो गई, शादी की उम्र ख़त्म हो गई, और मैं कहती हूँ कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया सुनते हैं और यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। हम किसी भी महान पुरुष की जीवनी उठाकर देखेंगे तो उनके जीवन में कठिन परिश्रम से वे अपनी इस स्थान को पाते हैं। हमें हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। कोई भी इंसान बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसके अंदर भी कई अच्छाइयाँ मिल जाती हैं जो कि हमारे अंदर नहीं होती। इसलिए हमें किसी इंसान के अच्छाइयों की तरफ जाना चाहिए, ना कि उसकी बुराइयों को अपनाना चाहिए। इसी तरह की मेरी ये कहानी बड़ी पेचीदा है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी शादी हुए आज तीसरा दिन था, मगर पति मेरे कमरे में सोने के बजाय मेरे ननद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता मेरी बहन को एक बीमारी है, रात होते ही उसको दौरे पड़ते हैं और अपनी जान लेने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं ननद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। आज मेरी शादी थी। हर लड़की की तरह मेरे दिल भी हजारों अरमान उबल रहे थे और मैं बस यही चाहती थी मेरा पति मुझे प्यार और मोहब्बत करने वाला हो और मेरी इज्जत करने वाला हो। मैं पार्लर में तैयार होते हुए बस यही प्रार्थना कर रही थी। पार्लर वाली ने मुझे तैयार करके कहा, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही होश खो देगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ये सुनकर मैं शर्मा गई। पार्लर से ही अपनी सहेलियों के साथ शादी समारोह भवन की तरफ जा रही थी, जब मेरी कार एक सिग्नल पर रुकी। मैंने टाइम पास करने के लिए इधर उधर थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया तो एक मंजर देख कर मैं चौंक गई। हमारे साथ जो गाड़ी थी उसमें एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे। हैरानी वाली बात ये नहीं थी बल्कि ये थी कि वह लड़की मेरी ननद थी। उस वक्त तो उसे शादी समारोह भवन में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे माँ ने फ़ोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है। तो ये मेरी ननद इस वक्त उस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही थी और ये लड़का कौन है? मेरी ननद ने इस वक्त पैंट शर्ट पहन रखी थी और जिस तरह आराम व तसल्ली से बैठी थी उसे लग रहा था कि उसको शादी में आने का कोई मूड भी नहीं है। हैरानी से आँखें फाड़ कर उसकी गाड़ी की तरफ देखती रही। जब अचानक सिग्नल खुल गई मुझे लगा शायद उसने मुझे देख लिया है, क्योंकि अब वह गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। इसी तरह उलझी हुई शादी समारोह भवन पहुंची और कुछ ही देर में मेरी शादी शुरू हो गई। सारा टाइम मेरी आंखें मेरी ननद को ढूंढती रही, मगर वह कहीं नज़र नहीं आई थी। इसका मतलब तो ये था कि मेरी नज़रों का धोखा नहीं था, मैंने सच में उसे देखा था। मैंने जयमाले के बाद अपने पति को कहा कि अपनी बहन को तो बुलाइए, मुझे उसको गिफ्ट देना है। मेरा पति कहने लगा, अच्छा मैं उसे ढूंढकर लाता हूँ, यहीं कहीं मेहमानों में बैठी होगी। मुझे पक्का यकीन था वह नहीं मिलेगी, मगर मेरी हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। जब पति के साथ उसे आते हुए देखा उस वक्त वह कोई और लड़की लग रही थी। पैरों तक गाउन पहन रखा था, इतनी सजी संवरी थी। वाकई में ये लड़की उस गाड़ी में तो नहीं थी। मुझे शक होने लगा, मगर मौका ऐसा नहीं था कि मैं उससे कोई और सवाल जवाब करती, इसलिए मैंने मुस्कुराकर उससे मिलने लगी। अब मेरे दिल में शक बैठ चुका था, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर मेरी विदाई हुई तो वह मेरे पति को कहने लगी, भाई आप भाभी के साथ गाड़ी में चले जाइए, मैं दूसरे कार में आ जाती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, मेरे पति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा दिया और कहने लगा, तुम जानती हो ना, तुम 2 मिनट भी मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो सकती। मुझे फिकर होने लगती है। मेरी ननद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं उनकी बहन भाइयों की आंखों आंखों में होने वाले बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर उन दोनों में क्या चल रहा है, मगर मैं नाकाम हो गई। गाड़ी मेरे ससुराल में मेरे घर के आगे रुकी। मेरी ननद मुझे कमरे में छोड़ने आई, मुझे बेड पर बिठा कर कहने लगी, भाभी आज की रात इस कमरे में से अपने पति को बाहर मत निकलने देना, वरना पछताओगी। उसके अजीबोगरीब शब्द पर दंग रह गई थी और चुप हो गई थी। लगता है इसका दिमाग खराब है, भला शादी की पहली रात पति पत्नी को कहाँ छोड़कर जाएगा। वह मुझे अजीब से अंदाज में देखते हुए चली गई थी।
उसके जाते ही मेरा पति अंदर आ गया। वह बहुत जल्दी में था। उसने कमरे में आते ही दराज से एक डिब्बी निकाली और मुझे दे कर कहने लगा, इसमें तुम्हारी मुदिखाई का तोहफा है, मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। ये बात ख़त्म करके कमरे से जा चुका था और मैं बिल्कुल सुन हो गई थी। ये सब बहुत जल्दी में हुआ था और मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं मिल सका था। मुझे झट से उस वक्त अपनी ननद की बातें याद आ गई। उसने कहा था कि अपने पति को अपने पास रखना, कहीं बाहर मत जाने देना। इसका मतलब तो यही था कि उसे मालूम था कि मेरा पति कहीं जाने वाला है। ये सब सवाल मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहे थे कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मैं उन्हें अभी ठीक से जानती तक नहीं थी। ननद से भी शादी के पहले एक दो बार मिली थी और मैं उसको अभी तक समझ नहीं पाई थी। दूसरी तरफ मेरा पति था, उसे मेरे पास बैठना चाहिए था, जबकि वो मुझे छोड़कर न जाने कहाँ जा चुका था। ये मेरी शादी एक रिश्ते कराने वाली आंटी से हुई थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल वालों का झंझट ना हो। वैसे मेरा तो कई जगह से रिश्ता आया था और एक जगह पक्की भी हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी मैं ज़्यादा बड़े परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी और उन लोगों का ज्वाइंट फैमिली था, इसलिए वहाँ पर शादी ना हो पाई थी। मेरा रिश्ता आसपास के पड़ोसियों के यहाँ से भी आया था। मेरी माँ ने उन्हें खुद मना कर दिया करती थी, क्योंकि माँ का कहना था कि मैं अपनी बेटी को ऐसे लड़के से ब्याह करूँगी जो खाते पीते घर का इकलौता हो, मेरी बेटी राज करेगी। मेरी माँ ने 20 साल अपनी ज्वाइंट फैमिली में गुजार दिए थे और वहाँ रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होती थी। दादी यानी मेरी माँ की सास और देवरानी जेठानी ने माँ का जीना हराम कर रखा था। हम जितने साल भी इकट्ठे रहे थे, हमें दिमागी आराम नहीं हुआ था। कभी बुआ लड़ने पहुँच जाती थी तो कभी चाची लड़ रही होती। जरा सी बात पर घर में हंगामा मच जाता था। इस हाल में मेरी माँ बोली कि मैं तो बिल्कुल अपनी लड़की की शादी इकलौते परिवार में ही करूँगी, मगर पापा के अपने रिश्तेदार से अलग होना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक एक दिन उन्होंने खुद उस घर से निकलने का फैसला कर लिया। उस दिन मेरी बड़ी बहन के रिश्ते के बारे में कुछ लोग आए हुए थे। ये बात मेरी चाची और मेरी बड़ी मम्मी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जानबूझकर घर में लड़ाई शुरू कर दी और ऊंची आवाज में मेरी बहन पर झूठे इल्जाम लगा दिए। और वे लोग अच्छे थे और हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि दीदी की शादी वहाँ हो जाए, मगर उन लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि उनको हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आया। उस दिन पापा को एहसास हुआ कि अब अलग होना ही अच्छा है। फिर हम लोग अलग किराए के मकान में शिफ्ट हो गए थे। कुछ साल बाद बहन की शादी हो गई, मगर वह भी जॉइंट फैमिली में हुई थी। बेचारी हर टाइम अपने ससुराल में नौकरों की तरह काम करती रहती थी और चिढ़ा करती थी, इसलिए माँ ने फैसला कर लिया था कि मेरी शादी वह वहीं पर करेंगी जहाँ पर लड़का बिल्कुल इकलौता हो। कहते थे कि अनजान लड़का जो अकेला है उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं और अपनी बेटी को उसको कैसे दे सकते हैं, मगर माँ की जिद के आगे वह भी हार मान गए थे। फिर ये रिश्ता मिला। लड़के की एक ही बहन थी और वे अच्छे खाते पीते लोग थे। माँ को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, इसलिए रिश्ते वाली से कहा, जो भी हो मेरी बेटी का वहीं रिश्ता पक्का करो। नसीब में यही था, इसलिए यही शादी हो गई। मैंने माँ को कहा था कि अनजान लोग हैं, इसलिए अच्छी तरह से पता कर लो, मगर माँ ने ये ज़रूरी नहीं समझा। और अब मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि शादी की पहली रात मुझे छोड़कर मेरा पति कहाँ गया। ऐसा तभी होता है अगर वह किसी गलत काम में पड़ा हुआ हो। सारी रात मेरी परेशानी में बीती थी। मैं अपने पति का इंतज़ार करती रही, मगर वह नहीं आया। सुबह पूजा करके, भगवान की आरती करके मैंने यही सोचा, अपनी ननद से पूछती हूँ, उसे तो पता होगा उसका भाई कहाँ है। मैंने अपनी ननद के कमरे में दरवाजे पर गई और ये देखकर मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया कि दरवाजे को मेरे पति ने ही खोला था। मैं एकदम चौंक गई, वह अपनी बहन के कमरे में क्या कर रहा था। वह भी मुझे देखकर कुछ परेशान सा हो गया, घबरा कर पूछने लगा, तुम? मैं गुस्से में बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। उस वक्त मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी बहन के कमरे में क्यों था। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए था, मगर मेरे दिमाग में बहुत शक पैदा हो रहा था। मेरा पति मेरे पीछे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी सी ऊपरी चक्कर है, उसे रात को दौरे पड़ते हैं और वे अक्सर अपनी जान लेने की कोशिश करती है, इसलिए मुझे रात को उसके पास रुकना पड़ता है ताकि वह खुद कोई नुकसान ना पहुँचा ले। जब मेरे पति ने मेरी ननद की ये बात बताई, मैं शर्मिंदा हो गई। वह कितना अच्छा और ख्याल रखने वाला भाई था और उस पर शक कर रही थी। कुछ देर के बाद उसकी बहन भी उठ गई। सारा दिन मेरी ननद मेरे साथ ही रही थी। रिसेप्शन पार्टी में वह सारा टाइम मेरे पास ही बैठी थी। वह जिस तरह हंस रही थी, मेहमानों से बातें कर रही थी,
उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था वह बीमार हो सकती है। रात को फिर से मेरे पति ने वही किया, मेरे कमरे से बाहर चला गया और मुझसे कहा कि मुझे अपनी बहन के कमरे में ही सोना पड़ेगा। वह चला गया और मैं सोचने लगी, उसे अगर अपनी बहन का ही इतना ख्याल रखना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की भला? ये सब कब तक चलता रहेगा? ये क्या रोज़ यूं ही रात को अपनी बहन के कमरे में जाकर सोता रहेगा? अगली रात भी यही हुआ। आज तीसरा दिन था और मैं अब बुरी तरह से तंग आ गई थी। मैंने जाकर अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई, मगर शायद वे दोनों बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। ये सब क्या हो रहा था? वे दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर मैंने दरवाज़ा खटखटाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह मेरा पति कमरे में आया, मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा, कल रात तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, मैं गहरी नींद में था इसलिए पता नहीं चल सका। मैंने उसे कहा, अगर तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाज़ा खोल के रखा करो। मेरे सवाल पर वह बौखला गया और घबरा गया, कहने लगा, तुम्हें बताया था कि उसे दौड़े पड़ते हैं, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा करने के लिए दरवाज़ा लॉक करता हूँ। मैं अपनी बहन को किसी तरह का कोई मौका नहीं दूंगा कि वह अपने आप को नुकसान पहुँचाए। मैंने कहा, तुम्हें यही डर था तो मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करूँगी, उसका ख्याल रखा करूँगी, तुम कमरे में रहो। मेरे यूँ कहने पर वह थोड़ा सा घबरा गया था और कहने लगा कि अभी नहीं, जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं किसी को उसके पास नहीं रहने दे सकता। मैं रोने लगी थी मगर मेरे पति ने मुझे चुप नहीं करवाया और चला गया। मेरी नंद कमरे में आई और मुझे चुप करवाने लगी और कहने लगी, मैंने तो रात को भाई को कहा था कि भाभी दरवाज़ा खटखटा रही हैं, दरवाज़ा खोल दो, मगर भाई ने ही मना कर दिया था। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें रात को दौड़े पड़ते हैं इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में सोता है? वह मेरी बातें सुनकर डर सी गई थी, कुछ कहते कहते रुक गई, फिर भागकर कमरे से बाहर चली गई। उसका ये व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आया था, ऐसा क्या राज था? मेरा पति घर पर ही था और मेरे साथ रहने के बजाय उसे इस तरह अपनी बहन के साथ ही रहना था। यहाँ तक कि मेरी दोस्त ने हम दोनों पति पत्नी को दावत पर बुलाया तो वह कहने लगे, तुम अकेली चली जाओ और मेरा जाना इतना ही ज़रूरी है तो मेरी बहन भी तुम्हारे साथ जाएगी, जबकि उसकी बहन बिल्कुल भी साथ नहीं जाना चाह रही थी। उसने इशारे से मुझे साथ ले जाने से मना भी किया था, मगर न जाने मेरे पति को क्या समस्या थी, वह उसे भी साथ ले गया। मैंने महसूस किया था कि मेरे ननद मेरे पति से काफ़ी डरती है और मैंने ये भी नोट किया था कि मेरा पति उस पर बहुत सख्ती करता है। उसके पास मोबाइल तक नहीं था और उसको घर से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी। सारा दिन सारी रात मेरा पति बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता था। मुझे तो जैसे इस घर में लाकर भूल ही गया था। मैंने एक दिन उसे कहा कि तुम्हारी बहन को दौड़े पड़ते हैं तो चलो उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, मगर मेरा पति कहने लगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दवा खिला रहा हूँ, वह ठीक हो जाएगी। उस दिन दोनों बहन भाई कहीं गए हुए थे कि मुझे एकदम अपनी ननद के कमरे की तलाशी लेने का मौका मिल गया। मैं उसके कमरे में गई तो ना तो गोलियाँ मिली ना ही कोई रिपोर्ट। तो फिर मेरा पति मुझसे झूठ क्यों कह रहा था? अगर वह इसका इलाज करवा रहा था तो दवा के पत्ते या कुछ तो ऐसा मिलता जिससे ये बात साबित हो जाती। मुझे अपने पति पर शक हो गया था। मैंने उसे कहा भी था कि दरवाज़ा लॉक ना करे, मगर उसने मेरी बात भी नहीं मानी। तो अब मैंने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने उस कमरे की चाबी छुपा ली और अपने कमरे में ले आई और वे दोनों शाम को वापस आए। मेरे पति ने आते ही मुझे कहा, अब तुम्हारी परेशानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। मेरी ननद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रोती हुई आई हो। रात को मेरा पति उसके कमरे में चला गया। मैं आधी रात को उठी और उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे के अंदर घुसने ही वाली थी कि वह मंजर देखकर मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। मैंने देखा कि मेरे पति ने मेरे ननद को जंजीरों से बांध रखा था और उसका सर अपने हाथ में लेकर सो रहा था। मेरी ननद शायद जाग रही थी, मुझे देखकर इशारा करके बाहर जाने का कहने लगी। मैं उसे यूं देखकर दंग रह गई थी और अपने पति को जगाकर पूछना चाहती थी ये सब क्या है, मगर उसके हाथ जोड़ने पर मैं बाहर आ गई। डर के मारे मैं सारी रात ये सोचती रही कि आखिर मेरे पति ने अपनी बहन को क्यों बांध रखा था, क्या वजह थी। सुबह होते ही मैंने बहाना बनाकर नंद को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि रात को जो कुछ मैंने देखा वह सब क्या था। तो मेरी नंद रोते हुए कहने लगी, जब से मम्मी और पापा की मृत्यु हुई है मेरे भाई का व्यवहार मुझसे बदल गया है,
वह ये चाहते हैं कि मैं अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूँ। रोज़ मुझे कहते हैं कि मैं अपने हिस्से की दौलत उनके नाम कर दूँ। मैं मना करती हूँ तो मुझे मारते हैं और मुझ पर जुल्म करते हैं। रात को भी मुझे जंजीरों से बांध देते हैं ताकि मुझे तकलीफ पहुँचे। मैंने कई बार उनके पैरों में गिर गई, मुझे जाने दो, मुझे इतना तकलीफ ना पहुँचाओ, मगर वे धीरे धीरे मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे। वह रोने लगी और ये सब सुनकर मेरा तो बुरा ही हाल हो गया था। काटो तो बदन में लहू ना हो। मेरा पति इस तरह घटिया आदमी हो सकता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आज रात ये सब मैंने अपनी आँखों से ना देखा होता तो शायद ननद की बातों पर यकीन ना करती, मगर अब तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। मेरी ननद मुझसे लिपट कर रोने लगी थी, भाभी मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, मेरी जान बचा लो। मैं उसको क्या कहती, चुप करवाया और सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। मेरा पति थोड़ी देर के बाद मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। कल मैं उसको लड़का दिखाने के लिए ले गया था, अगले इतवार को अपनी बहन को विदा कर दूंगा। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरी ननद तो कुछ और ही कह रही थी, ये उसका रिश्ता किसी अमीर बूढ़े आदमी से करवा रहा था, बदले में बूढ़े से पैसे भी मांगे थे, और ये कह रहा था कि लड़के का रिश्ता किया है। ये सब क्या था? मेरा पति कहने लगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि अपनी बहन का कन्यादान कर दूँ ताकि अपने माँ बाप के सामने अपना सर ऊँचा कर सकूँ। मेरा पति तो अंदर ये कह रहा था, उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, जबकि असल कहानी तो कुछ और ही था। ये दोनों बहन भाई अजीब थे, न जाने सच कौन था और झूठ कौन था। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। मेरे पति ने मुझे उस लड़के की तस्वीर भी दिखाई थी जिसे वह नंद का रिश्ता तय करने जा रहा था, और वह लड़का मेरी ननद के उम्र का ही था और हैंडसम था। जब ये बात अपनी ननद को बताई तो वह कहने लगी, भाई झूठ बोल रहा है, उसने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी तय की है ताकि मेरे बदले में उसे बिजनेस का फ़ायदा हो, मुझे बेचना चाहता है। मैं क्या करूँ भाभी, मैं भला उसकी क्या मदद कर सकती? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूं तो तुम कहाँ जाओगी? कहने लगी, अपनी एक दोस्त के घर जाऊंगी, वह एक वकील है, मुझे बचा लेगी। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, वरना उसको अब तक मैं मदद के लिए बुला चुकी होती। मैंने उससे अपना फ़ोन दिया, वह अपने दोस्त से बात कर ले, और हम दोनों के बीच ये तय हुआ कि मैं अपने पति को नींद की गोलियाँ दूध में मिलाकर पिला दूंगी। जब बेहोश हो जाएगा तो किसी बहाने से रात को अपनी गाड़ी में छुपाकर उसकी दोस्त के घर छोड़ आऊँगी, क्योंकि ड्राइवर को भी बहुत धमकाया गया था पति के तरफ से, वह अकेली कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैंने इस प्लान पर हामी भर ली। रात को 10 बजते ही मैंने अपने पति को दूध के गिलास में नींद की गोलियाँ दे दी। आधे घंटे के बाद देखा तो वह सोया हुआ था। मौका अच्छा था, मैंने ननद को कार की पिछली सीट पर छुपने को कहा और चौकीदार को कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, दरवाज़ा खोलो। उसने जल्दी से गेट खोल दिया, गाड़ी सड़क पर ले आई। कुछ ही देर में हम एक घर के सामने पहुँच चुके थे। मेरी ननद कहने लगी, भाभी आप घर चले जाइए वरना फंस जाओगी, मगर मैं उसे फ़िलहाल अंदर तक छोड़कर आना चाहती थी और उसकी दोस्त से मिलकर उसको कहना चाहती थी मेरी ननद का ख्याल रखे। मेरा इरादा यही था कि यहाँ से सीधा मैं अपने घर जाऊँगी और अपने माँ बाप को अपने पति की सारी असलियत बता दूँगी, जो अपनी बहन का नहीं था वो मेरा कैसे हो सकता था। अभी मैं दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि गेट खुला और एक लड़का बाहर से अंदर आया। उस लड़के को देखकर मैं एकदम से चौंक गई, ये वही लड़का था जिसको मैंने अपनी शादी वाले दिन अपनी ननद के साथ कार में देखा था। मुझे लगा था जिस तरह मेरी ननद पर सख्ती थी वह कोई लड़की होगी और ये मेरा बहम होगा, मगर अभी उस लड़के को देखकर मैं चौंक गई थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मेरी ननद दूसरी तरफ से निकलकर मुझे कहने लगी, भाभी ये मेरे दोस्त का भाई है, मैं अंदर चली जाती हूँ, आप घर चले जाइए। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, मैंने एकदम फैसला किया। ननद को कहा, गाड़ी में बैठो, हम वापस घर जा रहे हैं, मगर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वह भाग कर उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सॉरी भाभी मगर मैं अब वापस नहीं जा सकती, इस लड़के को पसंद करती हूँ और इसी के खातिर झूठ बोलकर आपको यहाँ लाई हूँ। वह लड़का हंसने लगा और उसको पीछे करके बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी भाभी भी पसंद आ गई है, एक के साथ एक फ्री। मैं घबरा गई कि ये क्या कह रहा है। नंद भी चौंक गई। वह लड़का कहने लगा, मैं तो तुम्हें चीट कर रहा था, अब देखो तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी भी फंस गई है। मैं पलटकर भागने लगी, मगर वह मेरे सामने आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचकर अंदर ले जाने लगा।
मेरी ननद ने उसको रोका तो उसने आवाज़ देकर दो लड़के को और बुला लिए। मुझे उन लोगों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैंने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी थी। वे हमें खींच कर ले जा रहे थे। उसी वक्त पुलिस का सायरन बजने लगा। पुलिस के साथ अपने पति को आते हुए देखकर मैं भगवान की कृपा की, पुलिस उन लोगों को पकड़ कर ले गई। मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति को तो मैंने नींद की गोलियां देकर आई थी, फिर मेरा पति यहाँ कैसे पहुँच गया? मेरा पति कहने लगा, मेरी बहन कई महीनों पहले उस लड़के के प्यार के जाल में फंस गई थी। जब मुझे पता चला तो मैंने उस लड़के की पूरी जानकारी निकलवाई। पता चला वह लड़का धोखेबाज है। उसे सब बताया मगर उसने यकीन नहीं आया। उल्टा उसी की बातों में आकर मुझ पर शक किया, घर से भागने की प्लानिंग की। तब तक मेरी शादी का दिन भी आ गया था, इसलिए मैंने उस पर बड़ी निगरानी की और कड़ी सज़ा भी देता रहा। उसके कमरे में उसको बंद करके सोने लगा, क्योंकि ये कई बार भागने की कोशिश कर चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि उस आवारा लड़के के हाथों यह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती। उसने तुम्हें जो भी बताया वह सब झूठ था। कल जब तुम लोग प्लान बना रहे थे मैंने सुन लिया था और फैसला किया कि जो तुम लोग करना चाहते हो करने देता हूँ, ताकि तुम लोगों को जब सब कुछ पता चलेगा तो शायद अकल आ जाएगी। इंसान को जब तक ठोकर ना लगे वह बाज नहीं आता, इसलिए मैंने तुम लोगों को जाने दिया और वे गोलियां और दूध को मैंने फेंक दिया था। मुझे यकीन था कि यहां कुछ ऐसा ही होगा और हो रहा था, इसलिए मैं पुलिस के साथ पीछे ही आ गया था। सब कुछ सुनकर मैं भी शर्मिंदा हो गई और मेरी ननद भी वहाँ हाथ जोड़कर कहने लगी, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई उस लड़के के बातों में आकर अपना नुकसान करने चली थी। मुझे उसके धोखे में नहीं आना चाहिए था। अपनों के अलावा कोई सगा नहीं होता। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी और हमने उसे माफ़ कर दिया। उसे एहसास हो गया था, यही बात था। जो कुछ दिनों के बाद हमने उसकी शादी कर दिया। आज भी वह अपने घर में खुश है और मैं भी अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। साथ साथ मेरा पति एक अच्छा इंसान भी था। सच कहते हैं कि जब तक ठोकर ना मिले जब तक सीख नहीं मिलती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।